वेलकम स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से आपके लिए कोई भी टॉपिक नहीं अपलोड कर पा रहा, कोई भी टॉपिक नहीं प्रिपेयर कर पा रहा। बट आज हम आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक, अब देखिए ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है। परचेज ईयर तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, बट बात आती है कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। क्लियर। अब बात आती है वेट क्या है। चलिए देखिए, जब भी हम टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं उससे पहले हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो देखिए, एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा। एनालिसिस टेबल में देखिए हमारे पास गिवन क्या होगा, प्रॉफिट जो भी आपके 3 साल 4 साल के होंगे, वेट क्वेश्चन में आपको वेट गिवन होगा कि पहले साल के प्रॉफिट का वेट क्या है, सेकेंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। हर प्रॉफिट्स का वेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, 1, 2, 3, 4 क्या है। ठीक, फिर आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बेसिकली है आपका प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट। तो जो आपको प्रोडक्ट आएगा इसका हम सम कर लेंगे, तो जो इसका सम आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट एज्यूम कर लीजिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले साल का हमारा प्रॉफिट 50,000 है, दूसरे साल का 30,000 है, फिर 40,000 है, फिर 20,000 है। ठीक, हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है, हमें क्वेश्चन में वेट दिया 1, 2, 3, 4। ठीक, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट तो कितना आ जाएगा इसका 50,000, इसका कितना आ जाएगा 60,000, और इसका 40,000 × 3 1,20,000, और इसका 20,000 × 4 80,000। ये आ गया। हमें क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स इसका सम। ठीक, तो प्रोडक्ट का सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0,0, फिर आपका 0, 6, 5, 11, 13, 13, 8, 19, 9, 1, 2, 3, 3,10,000 रुपये। ठीक, तो बेटा ये आपका 3,10,000 आ गया टोटल। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वेट। टोटल वेट क्या है आपका, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6 + 4, 10। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे क्या, 3,10,000 × 10, तो आपका 31,000 आपका आ जाएगा क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। अब आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल तो हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे। किस पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए, हम इस मेथड के बाद हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, अब आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, सुपर प्रॉफिट मेथड से देखिए हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक, ये हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन में परचेज ईयर तो गिवन होता है, बात आती है कि अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो देखिए,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट, तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी हमारे प्रीसीडिंग ईयर्स हैं उनके प्रॉफिट का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब बात आती है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इसे नेट एसेट्स। ठीक, या तो कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक फर्म एवरेज कितना रिटर्न लेगी अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड पे, जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक, तो आप इसे कैपिटल इंप्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कह सकते हैं, नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बाय द वे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम नेट एसेट्स या कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला, कैपिटल इंप्लॉयड या फिर नेट एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं करंट लायबिलिटी। क्लियर, चलिए। बेसिकली आपको टोटल एसेट्स तो पता होता है कि बैलेंस शीट का जो भी आपका टोटल है, वो चाहे एसेट साइड का हो या लायबिलिटी साइड का, वही आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। अब बात आती है आउटसाइडर लायबिलिटी, मींस जो आउटसाइडर बिजनेस के आउटसाइड से, मींस जिसमें आउटसाइडर लायबिलिटी में आपका क्या नहीं आता, कैपिटल नहीं आता और रिजर्व नहीं आती और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी हमारे रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या कैपिटल है, ये आपके आउटसाइडर लायबिलिटी में कंसीडर नहीं होंगे। बाकी सारी लायबिलिटीज आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी में कंसीडर होंगी, वो चाहे बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, इनकम रिसीव इन एडवांस हो, ये सारी लायबिलिटीज आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी में कंसीडर की जाएंगी। ठीक, अब बात आता है कि ये हो गया हमारा यहाँ, अब इसका हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए हमारा नेट एसेट्स का एक और फॉर्मूला है, नेट एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टेड प्रॉफिट, इनका भी सम कर देंगे तो हमारा सेम यही वैल्यू आएगी नेट एसेट्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल और रिजर्व गिवन है, हम इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। तो ये हो गया हमारा नेट एसेट्स। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए क्या, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसके बाद हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है हमारा, अब आते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में हम करेंगे क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है हमारा दो मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है आपका
और दूसरा है हमारा, पहला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, ये हैं दो हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा गुडविल का फॉर्मूला कहता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, क्या होगा, माइनस नेट एसेट्स, क्या होगा, एसेट्स। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट, हमारा आएगा इसके बाद नेट एसेट्स। तो देखिए अब हमें नेट एसेट्स तो पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, इसका फॉर्मूला आपका कहता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट? अब इसके बाद हम आते हैं, हमें ये तो पता चल गया कैपिटलाइज वैल्यू, नेट एसेट्स का फॉर्मूला फिर से आपको बता दे रहा हूं एक बार, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का फॉर्मूला बहुत इजी है, यहां पे गुडविल का फॉर्मूला कहता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट? तो सुपर प्रॉफिट हम पहले ही अभी पढ़ चुके हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मींस 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट को भी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जैसा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, या आपको कुछ और जानने की कोशिश है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको आपको बताऊंगा। और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।